मैं आपके साथ एनी वर्मा, आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। मऊ जिले के नगर पंचायत घोसी के चेयरमैन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इस मदरसे में सैकड़ों बलात्कार हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित मदरसा शमसुल ओलुम में सैकड़ों छात्राओं के साथ बलात्कार होने की घटना अंजाम दिया गया है। हालांकि 2 महीने पहले एक 11 साल की बच्ची के साथ प्रबंधक सहित 3 लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद प्रबंधक सहित मदरसे के 3 लोगों को जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद घोसी नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद कयूम सहित मौलाना ने खुलासा करते हुए बताया कि मदरसा शमसुल ओलुम के प्रबंधक हाफिज नासिर सहित कई लोगों ने अब तक सैकड़ों छात्राओं के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में चेयरमैन की माने तो मदरसा शमसुल ओलुम में पिछले दिनों एक 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसमें मदरसे के प्रबंधक हाफिज मोहम्मद नासिर सहित 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि कई सालों से इस तरह की घटनाएं होती चली आ रही हैं। लगभग सैकड़ों छात्राओं के साथ इन लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में प्रबंधक हाफिज नासिर सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया है, लेकिन मदरसे में ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मदरसे में देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं, लेकिन वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। वहीं अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों मदरसा शमसुल ओलुम में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें हमने प्रबंधक सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया है और जिलाधिकारी द्वारा जांच टीम बनाई गई है। हमने इस मदरसा शमसुल ओलुम की मान्यता रद्द कराने के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार, जिसमें मदरसे का प्रबंधक हाफिज मोहम्मद नासिर और उसका भाई, जो ये बलात्कार किया था, और उस बलात्कार को बजाय उसको सजा देने के उसने अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश किया। ये पहला कांड नहीं है, ये कांड बहुत होता रहा मदरसा संतुल में 1998 से, लेकिन यहाँ के लोग इसलिए उसको उजागर नहीं करते थे कि मदरसा सीज हो जाएगा, घोसी की बदनामी होगी। ये घोसी ऐसी एक जगह है कि जो पूरे दुनिया में आलिमों का गढ़ माना जाता है। और जो है फेसबुक के माध्यम से लोगों से ये अपील करते हैं कि ऐसे मदरसे में अपने बहन बेटियों को न भेजें, न दाखिला कराएं। और भी तमाम हॉस्टल हैं, तालीमी उर्दू तालीम मदरसा है, वहाँ लोग जा करके और अपने बहन बेटियों की तालीम लें। ये बलात्कार तो बहुत हुए, अनगिनत हुए, सैकड़ों के तादाद में हुए, लेकिन पहला ये उजागर हुआ। मैं इतना बड़ा कांड हुआ, इस मदरसे पर सीज होना चाहिए था। ये पूरे कमेटी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से जो है कांड हुआ है, ये पूरी कमेटी भंग होनी चाहिए थी। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसको कहा नहीं जा सकता।